नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे दोनों के फेवरेट प्रोग्राम मेलोडी मेकर्स में। संगीत ही जिसकी पहचान है, जिसके नए नए एपिसोड में हम लेकर आते हैं नई नई और जानी मानी और दिग्गज हस्तियों को। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं संगीत जगत की ऐसी ही जानी मानी और दिग्गज हस्ती दिगंता भारती। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि दिगंता भारती सर ना केवल एक बहुत अच्छे सिंगर है, उसके साथ साथ बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छे लिरिस्ट। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये होगा कि गागर में सागर भरने जैसा। चलिए आज उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने अपने इतने सारे मल्टी टैलेंटेड टास्क को कैसे कम्प्लीट किया और कैसे स्टार्ट की अपनी म्यूजिकल जर्नी। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स आपसे दिगंता जी यही जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब क्या मोटिवेशन था जो इतनी लंबा सफ़र, इतनी लंबी जर्नी आपने तय की। मतलब चाइल्डहुड से हूँ म्यूजिक में। मेरा घर में जो है दोनों दीदियाँ, बड़ी दीदी छोटी दीदी, गाना गाती है क्लासिकली, वो लोग टीचर भी है, और मेरा भैया वो लोग भी गाते हैं। तो बचपन से मेरा ये माहौल पूरा था संगीत का। हाँ, अलग से कुछ नहीं था। हाँ, अलग से नहीं था। हाँ। वो एक साथ गाना बजना होता था घर में। अच्छा अच्छा। पूरा माहौल संगीत में था। तो सर, मतलब पहले से प्रीवियसली डिसाइड कर लिया था कि आपको संगीत में ही जाना है कि नहीं? ऐसा कोई ये नहीं था डिसीजन लेना, और इसमें जाना बहुत ये टफ है ये रास्ता। पढ़ने का ये पूरा जोर था घर में। और फाइनेंशियली बहुत मतलब उन दिनों पोर फैमिली का, इसलिए घर में ऐसा था कि कुछ लिख पढ़ के एक बेटा डॉक्टर बन जाए। नहीं नहीं नहीं, एक छोटा सा मतलब जॉब मिल जाए बस, तो कुछ ये मिले। तो दिगंता जी, फिर उस क्राइसिस के बीच में इतना स्ट्रांग मोटिवेशन, वो चीज क्या थी कि अंदर तक कि हाँ स्ट्रगल? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैंने जैसे कि मैंने बताया दीदी, उनसे सीखा म्यूजिक का ये बातचीत, और थोड़ा बहुत नाम लेना पड़ेगा यहाँ जयप्रकाश मेधी जी सर, गुरुजी, उनसे भी संगीत का थोड़ा शिक्षा मुझे मिला। आफ्टर मेट्रिकुलेशन माय होम टाउन, आई वुड लाइक टू टेल यू, माय होम टाउन इज नलबाड़ी बर्थ प्लेस। तो आफ्टर मेट्रिकुलेशन आई केम गुवाहाटी। तो आके यहाँ गुवाहाटी कॉमर्स में मैंने ज्वाइन किया, एडमिशन लिया, हायर सेकेंडरी यहाँ से हुआ। उसके बाद फिर से आई हैड टू गो बैक नलबाड़ी बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल एंड एकोमोडेशन प्रॉब्लम। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज एंड अगेन आई केम लॉन्ग बैक 1991। उस आर्टिस्ट ने कहा कि नहीं गुवाहाटी में जाना है। उसे नलबाड़ी में बहुत छोटे बचपन से मैंने प्रोग्राम किया, गाना लिखना शुरू किया, स्कूल लाइफ में भी मैंने शुरू किया कंपोज करना और लिखना, लेकिन वहाँ इतना ये नहीं था, मतलब सोर्स आउट बाहर जाना जो फोकस मुझ पर था, लेकिन बहुत छोटा ये लिमिटेड था। तो गुवाहाटी मुझे जाना ही है, ये सेंटर प्लेस है असम का, तो यहाँ से थोड़ा मुझे ये मिले और ज्यादा लोगों का अटेंशन मिल जाए। तो यहाँ आके फिर से मैंने आई वुड लाइक टू टेल यू सम नेम, दोज आर माय फ्रेंड, वन इज अभिजीत बर्मन। मैं अकेला नहीं शुरू किया म्यूजिकल जर्नी, वी ऑल टुगेदर, अभिजीत बर्मन पैसेंजर, मतलब म्यूजिकल जर्नी का पैसेंजर एक यहाँ बैठा हुआ है, ये जीतू, जीतू बहुत कुछ मालूम है, ही नोज वेल। और यहाँ रक्तिम सेतिया जी, जी। फिर मौसम दिगंता, सेम नाम दिगंता शर्मा जी। फिर ऐसे ऐसे और
कोई बहुत सारे हैं, उनसे सीखने को भी मिला और एक एक करके ऐसे ही थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते गया. विदाउट देम आई वुड नॉट हैव बीन हियर. तो दिगंतो जी, यहाँ तक जो आपका पूरा एकदम सफर का निचोड़, तो सबसे पहले एक होता है ना कि आर्टिस्ट का एक सबसे पहला जो एक फेमस सॉन्ग होता है, तो वो कौन सा स्टेप था, वो कौन सा पड़ाव था आपका कि उस सॉन्ग ने आपको एकदम पब्लिक के बीच लाके खड़ा कर दिया कि ही इज अ सिंगर, एस्टैब्लिश कर दिया. वेल, तो ऐसा कौन सा फेमस सॉन्ग आज हमारे? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. दैट वाज अ फिल्म सॉन्ग, यस, दाग. ओके, असमिस फिल्म दाग. ओके, गाया भी था ये. हाँ, पांच गाना मेरा था, फाइव सॉन्ग्स. वहां मनोले भूतिया है लोराली, ओके, ये टाइटल का एक गाना. अच्छा. मैं और जुबिन गर्ग दोनों गाया था. दोनों भाई का ये स्टोरी है. अच्छा अच्छा अच्छा. बड़ा और छोटा दोनों. हाँ. भैया, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो गुनगुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ. तो आज हमारी म्यूजिकल टीम में हमारे साथ हैं कीबोर्ड राजा जी, लीड गिटार पे कैलाश जी, बेस गिटार पे लातू जी, पर्कशन पे वरुण जी और तबले पे हमेशा की तरह जीत जी. सॉन्ग था दिगंतो जी. और सबसे खूबसूरत बात ये होती है, जिसने लिरिक्स लिखे होते हैं, जिसने जो माँ होती है वही जानती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए. जो लिरिक्स होता है, अगर वो सिंगर हो जाए और वही कंपोजर हो जाए, तो वो अपना पूरा वो जानता है कि अच्छा ये यहाँ पर लगे, तो वो एक निभाना होता है ना उस वो पूरे सॉन्ग को. तो वो पूरा आपने अच्छे से निभा कर, क्योंकि वही लिखा भी आपने, गाया भी आपने और कंपोज भी, तो पूरे अच्छे से पूरा उसको. One thing, beautifully sung by Zubin. Yes, 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 yes. Great. Living legend. Yes, yes, yes. I know him. So, यहाँ पे जो आपने ये पूरा अच्छे से, इसके बाद दिगंतो जी जानना चाहेंगे कि भाई एक ये होता है कि भाई फेमस हो गया तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. हाँ. तो उसके बाद में जो जर्नी होता है वो खुद का, खुद के साथ जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन विथ माने ओन सेल्फ, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ. और इसको निभाने के लिए और इसमें, इस कंपटीशन में खुद को
एग्जिस्ट करके रखने के लिए जो जितना टास्क होता है वो टास्क बहुत हरकुलियन जैसा लगता है। कहते हैं ना, सक्सेस लाना बहुत आसान है बट सक्सेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे दिगंत जी यहाँ जानना चाहेंगे कि हाँ, उसके बाद मुझे मिला प्रोडक्शन हाउस जो एन के प्रोडक्शन, फिर RMC वेव्स मेगालो म्यूजिक, जैसा बहुत कुछ था उन दिनों, तो कैसेट का जमाना था वो, तो स्टूडियोज भी था, बहुत सारे स्टूडियोज थे यहाँ, वहाँ असमिया गाना या गाने का रिकॉर्डिंग वगैरह होता गया, एक एक करके कंपोज मेरा धीरे धीरे करके लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो उन दिनों ऐसा था, मॉडर्न तो था ही लाइन पे मॉडर्न सॉन्ग, लेकिन उसके साथ साथ एक बोलता है ताम बिहू हुड़िया, बिहू बेस्ड, अच्छा, बिहू बेस्ड मॉडर्न सॉन्ग। तो इसमें मैंने कंपोज किया था ढेकी दे बोल के एक गाना, तो वो गाया था कृष्णमणिनाथ, तो बहुत पॉपुलर हो गया वो गाना। उनके साथ साथ मार्केट में जुबिन का भी नंबर निकलता गया एक एक करके, जैसे मौन सीरीज सबको पता है यहाँ, वेरी पॉपुलर मौन सीरीज, जैसे हिया मौन, आको हिया मौन, सीना की मौन, मन तो है ही उधर टाइटल में, आर्टिस्ट के साथ मन तो हमेशा रहता है। तो ये गाने का, ये कैसेट का नाम नाम होता है मन सीरीज वाला, तो उसमें मैंने कंपोज करना पूरा लगातार मैंने किया गया करता गया। तो वहां से मेरा एक गाना था मासोलो जाओ नखाऊ खुदा भात, सबको पता है यहाँ, तो उनके साथ साथ उलोमी था के, उनके साथ दिहिंग और गोरा, ये सब बहुत कुछ है। आई हैव बीन कंपोजिंग एंड लिरिक डूइंग पेनिंग सिंस 1992-93, तो करीब करीब 5000। तो दिगंत जी आज अपने गुरु से कुछ, गुरु को कुछ फेवरेट सॉन्ग या उनसे जो मतलब कुछ अच्छा सा कुछ ऐसा सीखा हो या उनका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों का फेवरेट सॉन्ग मेरा भी है बहुत, जो मेरी जो बेटर हाफ उनके लिए मैंने लिखा था वो गाना, वही गाऊं यहाँ प्लीज? जी।
उठते जाते उठो लियो किसे है पाहुता आल फूले को धरो की धरो लगे ने पाहुखा होते उखा ओई ना ओई ओई ना ओई कोई ना तुमी मोर घर लोखी উলমি উলমি থাকে দুই উঠতে হাঁহি জিলিকে জিলিকা তরা মুকুতা দুপাৰি উলমি উলমি থাকে দুই উঠতে হাঁহি জিলিকে জিলিকা তরা মুকুতা দুপাৰি ঐ না ঐ ঐ না ঐ কই না তুমি মোৰ ঘৰ লক্ষ্মী ওই না ওই ওই না ওই কই না তুমি মোর ঘর লক্ষ্মী गांधी जी सबसे पहले तो ये सच में एकदम ऑनेस्टली बताइए सर आज आपने गुरु के लिए गाया है कि मैम के लिए गाया है ऑनेस्टली एकदम मतलब जो आप गा रहे तो लग रहा है के लिए आपके लिए भी दर्शकों के लिए भी बहुत प्यारा रिदम था और बहुत प्यारा हाँ। एकदम अदायगी थी तो एक एक मूवमेंट पे लग रहा था कि आप जी रहे उस लम्हे को क्योंकि दिस सॉन्ग इज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर फोक कल्चर ढुलिया बहुत तो वो वी कैन जो रिदम था वो भी उसमें भी मूवमेंट वही वाला रिदम ही है तो यहाँ पर जो हमारी जर्नी है दिगंतो जी उसको थोड़ा सा आगे सरकाते हुए सबसे इसके बाद जो जानना चाहेंगे एक होता है ना कि कलाकार हमेशा पोडियम पे रहता है हमेशा लोगों के लिए गाता है कभी कोई फरमाइश कभी कोई लेकिन एक टाइम आता है हर जर्नी एक जैसी नहीं रहती है दिगंतो जी तो वो जर्नी का जो एक होता है ना बेस्ट फेज और एक होता है वर्स्ट फेज दोनों ही फेज खट्टा मीठा तो हर जो तो आज हम आपसे और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब आप अपने बेस्ट और वर्स्ट में थे तो आपको कौन सा सॉन्ग बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था कि हाँ उसको सुनकर लगता था कि नहीं अभी हमें और आगे जाना है अभी यहाँ तक नहीं तो ऐसा कोई सॉन्ग जो आपको मोटिवेट करता हो टफ क्वेश्चन गा तो बहुत है इसमें माने इन्फ्लुएंशियल सॉन्ग्स बहुत है मेरे जीवन को ये थोड़ा हिलाने वाला इसमें एक है केवल शेयर कर दीजिए गाने का समय अदर ऐसा है एक भूपेंद्र का अच्छा अच्छा जी हम लोगों का डॉक्टर भूपेंद्र जी, 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 जी का गाना है बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है बहुत है नाजिया रेजिया सुल्ताना का ये गाना जो है ए दिले नादान फिर ऑल टाइम आई लव टू लिसन टू हिम एंड हिज नाना दादेन सार जगजीत सिंह ओके गजल यस यस एक एक गजल में
इतना सुंदर सॉन्ग था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, आर्टिस्ट बनता ही गम से है, कहते हैं ना गम को गलत करता है वो आर्टिस्ट, तो हम अपने गम को भी जीते हैं। ये गजल बेसिकली, यस यस, दिल का दर्द सुर बन के, यस दर्द सर, जब तक दर्द नहीं हो तब तक आर्टिस्ट आवाज में आता है तो वही महान नहीं बनता। तो यहाँ पर एक और पड़ाव कि केवल दर्द या प्यार या यही संगीत, एक और एक संगीत का पड़ाव होता है डिवोशन, जहाँ आ जाता है सर वो एक सबसे हाईएस्ट विषय, हर एक सब्जेक्ट को आप ये डिवोशनली, यस यस, आप दिस इज अबाउट द लाइक एग्जीबिट करो तो ये बहुत तासीर, बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल। तो उसी को दिगंतो जी लेते हुए कि एक ऐसा कोई हिंदी सॉन्ग जो आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर, जिसमें आत्मा परमात्मा, इट्स लाइक जिसमें इश्क, कंट्रीब्यूशन, कंप्लीट डिवोशन, ऐसा कोई, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सूफी, यस इट्स लाइक अ सूफी, कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, इट्स अबाउट द लव टू गॉड, क्लासिकल एंड सूफी, यस। तो ऐसा कोई सॉन्ग गुनगुनाना चाहूंगा, लेकिन बहुत ताफ है ये गाना। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं अपने
ये इतना खूबसूरत सॉन्ग था कि मैं अपने वर्ड्स भूल गई हूँ. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए. इन लोगों के साथ हमेशा गाना बजाना होता रहता है तो बातचीत भी होती रहती है तो सुकून सा है, थोड़ा टेंशन दूर होता है. आपने हम लोगों का भी बहुत टेंशन दूर कर दिया आफ्टर दिस सॉन्ग. इट्स लाइक बिल्कुल रिलैक्स्ड. तो थैंक यू सो मच दिगांतु जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, म्यूजिक पोएम. और थैंक यू सो मच व्यूअर्स मेलोडी मेकर्स देखने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें सुनने के लिए और हमें इतना ज्यादा सराहने के लिए. प्लीज हमें देखते रहिए मेलोडी मेकर्स सोमवार शाम 7 बजे. हम एक बार फिर से हाजिर होंगे संगीत जगत की एक नई और जानी मानी हस्ती के साथ. तब तक के लिए हमें विदा दीजिए. नमस्कार.